तो हेलो गाइस, तो इस वाले वीडियो में 2019 में जो भी सूचकांक रहे हैं, जो भी इंडेक्सेस रहे हैं, वो सारे मैं आपको कवर कराऊंगा। जनवरी से लेके अक्टूबर तक सारे मैं आपको कवर कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है कि हाल ही में नीति आयोग ने अभी इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है और आपसे पूछा है कि उस में टॉप पे कौन सा राज्य रहा है। तो सही उत्तर होगा कर्नाटक। करना नहीं है, कर्नाटक। तो टॉप पे तो रहा है कर्नाटक, सेकेंड नंबर पे रहा है तमिलनाडु, थर्ड नंबर पे रहा है कौन सा, महाराष्ट्र रहा है। अच्छा देखो, यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज़ की अलग से लिस्ट बनाई गई है और उसमें टॉप पे रहा है दिल्ली। यानी कि सबसे ज़्यादा इनोवेशन किस राज्य में, किस यूनियन टेरिटरीज़ में देखा जा रहा है। तो राज्य की बात करेंगे तो कर्नाटक आंसर होगा, यूनियन टेरिटरीज़ की बात करेंगे तो दिल्ली आंसर होगा। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे जो स्कोर दिल्ली का रहा है, दिल्ली का जो स्कोर रहा है वो ज़्यादा रहा है कर्नाटक से। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है ये वाला और अगर आपको कोई स्टेट या यूनियन टेरिटरी ऑप्शन क्वेश्चन में न लिखा हो और आपके ऑप्शन में दिल्ली भी आ जाए और कर्नाटक भी आ जाए, तो फिर क्या आंसर लगाओगे आप? तो फिर आप आंसर लगाना दिल्ली, क्योंकि दिल्ली का स्कोर ज़्यादा है। अगर दिल्ली यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में नहीं डालते इसको, तो फिर ये कर्नाटक से ज़्यादा होने पर इसे हम टॉप मानते हैं। बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि दिल्ली का जो स्कोर रहा है वो है 42.98 और कर्नाटक का जो स्कोर रहा है वो है 35.65। अब ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन इसीलिए डाला है क्योंकि ये पहली बार लिस्ट आई है, नीति आयोग ने पहली बार जारी किया है। अच्छा ये तो नेशनल वाला है, नीति आयोग ने इंडिया के लिए जारी किया है नेशनल वाला। इसी तरह से ग्लोबल भी आया था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अभी 2019 का ही, उसमें इंडिया का स्थान रहा था 52 और उसमें टॉप पे रहा था स्विट्जरलैंड। ये आप ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में भारत किस स्थान पे रहा है? सही उत्तर होगा, भारत रहा है 82 पोजीशन पे इसमें। गिविंग इंडेक्स मतलब क्या हो गया? मतलब जो लोग है ना वो दान करते हैं ना, उसके हिसाब से ये बात कर रहा है, उसके हिसाब से ये इंडेक्स है और इस मामले में इंडिया 82 नंबर पे रहा है। टोटल कितने देशों में से? टोटल 128 कंट्रीज में से। अच्छा टॉप पे कौन रहा है? टॉप पे रहा है यूएसए। यूएसए टॉप पे है, भारत 82 नंबर पे है। अच्छा मैं आपको बता दूं, अभी कुछ समय पहले ही इंडिया के परोपकारी सूची आई थी, यानी कि परोपकारी को बोलेंगे फिलेंट्रोफिस, और उसमें टॉप पे रहे थे एचसीएल के अध्यक्ष, एचसीएल कंपनी के अध्यक्ष शिव नाडर। सेकंड नंबर पे रहे थे विप्रो के मालिक कौन, अजीम प्रेम जी। और थर्ड नंबर पे भारत के सबसे अमीर व्यक्ति रिलायंस के मालिक कौन, मुकेश अंबानी। और मैंने आपको बताया अभी हुरुन इंडिया रिच लिस्ट आई थी, उसमें रिलायंस के मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बताए गए। अच्छा ये वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स, ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये चैरिटीज़ एड फाउंडेशन ने इसको जारी किया है। फिर अगला प्रश्न है, एक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 102 पोजीशन पे, और मैं आपको बता दूं भारत की पोजीशन खराब रही है क्योंकि टोटल जो कंट्रीज है वो है 117, उसमें से भारत आया है 102 नंबर पे। यहाँ पे अगर बात करें 88 नंबर पे है बांग्लादेश, 94 पे है पाकिस्तान और 73 पे है नेपाल, यानी कि हमारे पड़ोसी देश हमसे आगे हैं। अच्छा ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी हुआ है ना, इसमें देश में कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, बच्चों की वृद्धि दर कैसी है, ये सब देखा गया है और इसमें भारत है 102 नंबर पे, ये आपको याद रखना है। टॉप की बात करेंगे तो देखो टॉप में कोई एक देश नहीं है, टोटल 17 देश हैं, बेलारूस, यूक्रेन, टर्की, ये सब करके टोटल 17 देश हैं। तो आपको ये याद नहीं रखना है, आपको केवल याद रखना है भारत की रैंक क्या है, 102 है। और इसको जारी किसने किया है? इसको जारी किया है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ ने। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में 20वीं पशुधन जनगणना आई है और उसमें पशुधन की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये आपसे पूछा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4.6। ये मैं आपको बता दूं, पशुधन जो जनगणना होती है हर 5 साल में एक बार होती है। अभी ये जो 2019 में हुई है ये कौन सी है? 20वीं है, यानी कि इससे पहले हुई थी 2014 में 19वीं पशुधन जनगणना। तो आपसे यही पूछा है, 19वीं से जब 20वीं में हम आए हैं तो पशुधन में कितनी वृद्धि हुई है? तो आंसर क्या दिया आपने, 4.6% की वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा पशु जो हैं वो कौन से हैं? गाय। और बात करें कि अभी टोटल पशु कितने हैं, तो पशु हैं 535.78 मिलियन। फिर है हाल ही में जारी प्रथम ग्लोबल यूनिकॉर्न लिस्ट 2019 में भारत क्या स्थान रहा है भारत का? तो भारत का स्थान रहा है तीसरा। अच्छा यूनिकॉर्न मैंने आपको करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में बताया था, यूनिकॉर्न हम उस कंपनी को बोलते हैं जिसकी वैल्यू $1 अरब हो चुकी हो। तो भारत
इस तरह की 21 यूनिकॉर्न कंपनीज के साथ तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है चाइना, कितनी यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, 206 यूनिकॉर्न कंपनीज के साथ टॉप पर है। सेकंड पे है यूएसए, 203 यूनिकॉर्न कंपनीज के साथ, ज़्यादा अंतर नहीं है देख लो तो, ये दूसरे स्थान पर है। और तीसरे स्थान पर है भारत, 21, बहुत ज़्यादा अंतर है ठीक है, 21 यूनिकॉर्न कंपनीज के साथ भारत तीसरे नंबर पर है। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी नीति आयोग की एजुकेशन इंडेक्स में शीर्ष राज्य कौन से है, कौन सा राज्य टॉप पे है? तो सही उत्तर होगा केरल, केरल इसमें टॉप पे है। क्या बताता है ये इंडेक्स? ये बताता है कि किस राज्य में एजुकेशन कितनी अच्छी है, तो टॉप पे है केरल। सबसे लास्ट में है उत्तर प्रदेश। वहीं पे इसमें एक और कैटेगरी डाली गई है स्मॉल स्टेट्स की, स्मॉल स्टेट्स की, तो उसमें टॉप पे है मणिपुर और उसमें लास्ट में है अरुणाचल प्रदेश। तो बिगेस्ट स्टेट्स में बात करेंगे तो केरल टॉप पे है, स्मॉल स्टेट्स में बात करेंगे तो मणिपुर टॉप पे है। फिर अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का जो हेल्थ इंडेक्स 2019 आया था उसमें टॉप राज्य कौन सा है, मतलब ये अपनी सरकार का खुद का एक हेल्थ इंडेक्स है जो बताता है किस राज्य में हेल्थ केयर कितना अच्छा है। यहाँ पे हम हेल्थ की बात कर रहे हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में एजुकेशन की बात करी थी। तो देखो इसमें भी जो टॉप पे है वो है आपका केरल। बिगेस्ट स्टेट में बात करेंगे तो टॉप पे है हेल्थ के मामले में केरल, केरल में बहुत अच्छा है। वहीं स्मॉल स्टेट्स की बात करेंगे तो इसमें टॉप पे है मिजोरम। वहीं यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी भी रखी गई है और इसमें टॉप पे है चंडीगढ़। तो याद रखना नीति आयोग का हेल्थ केयर इंडेक्स आया, हेल्थ के मामले में कौन सा राज्य कितना अच्छा है, बिगेस्ट में तो केरल सबसे अच्छा है, स्मॉलर स्टेट में मिजोरम अच्छा है और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ अच्छा है। अच्छा नीति आयोग की हम कब से बात कर रहे हैं, तो यहाँ से आप कुछ देख लो जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले तो नीति की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री जो अभी हैं नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। और इसके सीईओ इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं, अमिताभ कांत हैं। तो नीति आयोग के बारे में कम इतना आपको जानकारी हो। फिर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2019 आया, उसमें भारत का स्थान क्या रहा? तो इसमें भारत का स्थान रहा 86। अच्छा ये सूचकांक, ये इंडेक्स क्या बताता है? तो ये बताता है किस देश का जो पासपोर्ट है ना वो कितना शक्तिशाली है। अच्छा पासपोर्ट के शक्तिशाली होने से क्या मतलब हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि आप अपने पासपोर्ट के साथ कितने देशों की यात्रा पे जा सकते हो बिना पहले वीजा लिए। वहां जाकर के आपको वीजा लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जा सकते हो बिना वीजा के, ये बताता है कि आपका पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। तो इस मामले में भारत 86 नंबर पे है। अब आ रहा होगा मन में कि टॉप पे कौन है, तो टॉप पे देखो दो देश हैं, सिंगापुर एंड जापान। सिंगापुर और जापान इसमें टॉप पे है, भारत 86 नंबर पे है। फिर अगला प्रश्न है, ग्लोबल जीडीपी सूचकांक यानी कि ग्लोबल जीडीपी इंडेक्स 2018 में शीर्ष देश कौन सा रहा, टॉप पे कंट्री कौन सा रहा? तो सही उत्तर होगा अमेरिका, अमेरिका रहा टॉप पे, सेकंड नंबर पे रहा चाइना, थर्ड नंबर पे रहा जापान। अच्छा इसमें भारत यानी कि इंडिया का स्थान क्या रहा? इंडिया रहा इसमें 7th नंबर पे। अच्छा ये इंडेक्स क्या बताता है? तो ये बताता है कि किस देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, मतलब उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। उस मामले में अमेरिका टॉप पे है, इंडिया 7 नंबर पे है। अच्छा इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है वर्ल्ड बैंक। फिर आपको बताना है हाल ही में जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2019 में टॉप कंट्री कौन सा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये पूछ रहा है वो कि रहने के लिए सबसे सुरक्षित शहर, सेफ सिटी कौन सा है। तो ये तो मैं आपको करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में कई बार बता चुका हूँ, क्या आंसर होगा बताओ आप मुझे, टोक्यो होगा। जापान की राजधानी टोक्यो सेफ सिटी इंडेक्स 2019 में टॉप पर है। वहीं इंडिया में अगर बात करेंगे तो इंडिया में आ जाओ, सिटीज़ की बात करेंगे ना, इंडिया की तो रैंक दूंगा नहीं, इसके अंदर कौन सी सिटी को क्या रैंक दूँ? तो मुंबई को इसमें रैंक दी गई है 45th और नई दिल्ली को रैंक मिली है 52। यानी कि आप देख सकते हो इंडिया में बात करोगे तो मुंबई इसके अनुसार रहने के लिए सबसे सेफ सिटी है। अच्छा इसको जारी किसने किया? इसको जारी किया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट ने, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट ने। फिर आपको बताना है वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है। तो इसमें भारत का स्थान रहा है 34 नंबर पे है इंडिया। अच्छा टॉप पे इसमें कौन सा कंट्री है? तो टॉप पे है स्पेन। तो यात्रा और पर्यटन के मामले में भारत 34 नंबर पे है, टॉप पे है स्पेन। और बात करें कि इसको कौन जारी करता है सूचकांक, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है।
फिर अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 यानी कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में टॉप कंट्री कौन सा रहा है? तो टॉप पे रहा है स्विट्जरलैंड। अच्छा, स्विट्जरलैंड टॉप पे रहा है, लेकिन इंडिया की पोजीशन क्या रही है? तो इंडिया की पोजीशन याद रखनी है 52। देखो, जो भी अपन सूचकांक पढ़ रहे हैं, आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो इंडिया की पोजीशन याद रखनी है और उसमें टॉप पे कौन रहा है। बॉटम पे कौन रहा है आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये इंडेक्स बताता क्या है? तो मोस्ट इनोवेटिव कंट्री कौन सा है ये हमें बताता है। तो इस बार मोस्ट इनोवेटिव कंट्री है स्विट्जरलैंड, इंडिया इसमें 52 पोजीशन पे है। अब इसको जारी किसने किया है? तो इसको जारी किया है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने, इन सीड ने, INSEAD। ये जो इनसीड है ना, ये बिजनेस स्कूल है फ्रांस का, और यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको जारी किया है। फिर है, स्विस बैंक में धन रखने के मामलों में कौन सा देश टॉप पर रहा है? तो टॉप पर रहा है यूनाइटेड किंगडम, और इंडिया इसमें रहा है 74 पोजीशन पे, यानी कि सबसे ज़्यादा पैसा स्विस बैंक में यूके वालों का पड़ा है, हम 74 नंबर पे आते हैं। अच्छा चलो, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि ये स्विस बैंक है किस कंट्री में। फिर है, लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार मलेरिया के कुल मामलों में भारत का स्थान क्या रहा है? यानी कि मलेरिया के जो मरीज हैं, मलेरिया जिन लोगों को हुआ है उस मामले में, कितने लोगों को हुआ है उस मामले में भारत 4th पोजीशन पे है। तो इस रिपोर्ट में क्या बताया कि 2017 में मच्छर के काटने से जो मलेरिया हुआ है उस मामले में भारत 4th पोजीशन पे है। अच्छा, फर्स्ट पोजीशन पे है नाइजीरिया, सेकंड पे है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और थर्ड पे है मोजम्बिक, और फोर्थ पे कौन आ गया? इंडिया आ गया। चलो, आप मुझे बताओ वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाते हैं? और अगर आप करंट अफेयर्स का रिविजन वीडियो देखते होंगे तो ये तो आप चुटकियों में बता दोगे। फिर आपसे पूछा है, IMD वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019 में कौन सा देश टॉप पे रहा है? तो इसमें टॉप पे है US। US तो टॉप पे है, और इसमें इंडिया कौन से स्थान पर है? इंडिया को मिला है 44 स्थान। तो इसमें बताया है बेसिकली कि डिजिटली कौन सा कंट्री कितना प्रतिस्पर्धा में है, कॉम्पिटिशन में है। तो USA टॉप पे है, इंडिया 44 पे है। इसको जारी किसने किया? इसको जारी किया है IMD ने, ये बिजनेस स्कूल है स्विट्जरलैंड का। फिर आपसे पूछा है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसमें भारत रहा है 68 नंबर पे। अच्छा, इसमें टॉप पे कौन रहा है? तो टॉप पे रहा है सिंगापुर। कौन रहा है? सिंगापुर टॉप पे है, भारत 68 नंबर पे है। और इसको जारी कौन करता है? तो ये भी आप याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। चलो मुझे बताओ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है कोलोगनी स्विट्जरलैंड में। और इसके हेड कौन है? इसके हेड हैं क्लॉस स्वेब। कौन है? मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, क्लॉस SCHWAB। और इसकी स्थापना पूछेंगे तो 1971। फिर है, ऑक्सफैम वर्ल्ड इनइक्वलिटी इंडेक्स में टॉप कंट्री कौन सा रहा है? तो ऑक्सफैम ने एक वर्ल्ड इनइक्वलिटी इंडेक्स जारी किया, और उसमें टॉप पे रहा कौन? डेनमार्क। मतलब क्या हो गया इसका? कि डेनमार्क में असमानता सबसे कम है, यानी कि इनकम वगैरह में असमानता बहुत कम है। और इसमें इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया की रैंक रही है 147। टोटल कितनी कंट्रीज में से? टोटल 157 कंट्रीज में से। और ऑक्सफैम की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर आप याद रखना, हेडक्वार्टर है इसका ऑक्सफोर्ड यूके में। ये पेन पता नहीं क्यों स्लो चल रहा है। फिर है, वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में टॉप कंट्री कौन सा रहा है? तो टॉप पे रहा है आपका सिंगापुर। अच्छा, सिंगापुर तो टॉप पे रहा है, लेकिन इंडिया, इंडिया कितने नंबर पे रहा है? इंडिया की पोजीशन रही है 115। याद रखना, इसको जारी किसने किया? वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। तो वर्ल्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर मुझे बताओ। इसका हेडक्वार्टर है Washington DC में, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? नए बने थे इसी साल, डेविड मालपास। डेविड मालपास किस देश के हैं? ये अमेरिकन है। फिर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जेंडर गैप इंडेक्स 2018 में भारत का स्थान क्या रहा? तो इसमें भारत रहा है 108 पोजीशन पे। अच्छा, भारत तो 108 पे रहा है, टॉप पे कौन रहा है? तो टॉप पे रहा है आइसलैंड। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि सबसे कम जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है कि मेल और फीमेल में असमानता कितनी है। तो सबसे कम असमानता है आइसलैंड में, यानी कि महिला और पुरुष में डिफरेंस बहुत कम है। और 10वीं बार आइसलैंड इसमें टॉप पे रहा है। भारत की रैंक याद रखनी है 108। फिर आपसे पूछा है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पे रहा है? तो इसमें टॉप पे फिर से रहा है कौन? आइसलैंड। और बात करेंगे भारत इसमें कौन से स्थान पे रहा है, तो भारत रहा है 141 पोजीशन पे।
और ये इंडेक्स क्या बताता है, ये इंडेक्स शो करता है कि किस देश में कितनी शांति है। तो शांति आइसलैंड में सबसे ज़्यादा है, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। असमानता यानी कि जेंडर गैप भी इसमें सबसे ज़्यादा है, आपको ये दोनों याद रखने हैं। और इसको जारी किसने किया, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, जिसका हेडक्वार्टर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा तो गाइस इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन ही कवर कर रहे हैं, इसका एक कारण ये भी है। देखो इंडेक्सेस में ज़्यादातर हम क्या पढ़ेंगे, रैंकिंग पढ़ेंगे कि इंडिया की पोजीशन 141 है, 108 है, इतना है, उतना है, या फिर टॉप कंट्री कौन सा है, अमेरिका है, चाइना है, जापान है। तो एक साथ अगर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मेरा मकसद आपको कंफ्यूज करना नहीं है, मेरा मकसद है आपको चीज़ों को याद कराना, इसलिए मैं इसे पार्ट्स में लेकर के आ रहा हूँ। आज मैंने 20 करा दिए, अगली बार अगले 20 लेकर के आऊंगा। अब आपको क्या करना है, ये वीडियो देखने के बाद अपनी एप्लीकेशन पे मैं क्विज बना करके इसकी डाल दूंगा, तो वहां पे आप इसका प्रैक्टिस जरूर लगाना, टेस्ट जरूर लगाना इन क्वेश्चंस का, और फिर आप देखना कि आप कितने क्वेश्चन राइट कर पा रहे हो। मान लो आप 20 में से 15 क्वेश्चन राइट कर पाते हो, तो अभी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है अभी 5 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए हैं। मान लो एग्जाम में इन 5 में से प्रश्न आ गया तो आपको तो गलत हो गया ना, तो आप तब तक वो क्यूज लगाते रहो जब तक आप 20 के 20 राइट नहीं कर दो। सुबह लगाओ, दिन में लगाओ, शाम को लगाओ, कभी भी लगाओ, लेकिन तब तक आप लगाते रहो जब तक कि आप 20 क्वेश्चन राइट नहीं कर दो। जब मैं आप लोगों के बारे में इतना सोच रहा हूँ तो कम से कम आप तो अपने बारे में इतना सोच ही सकते हो। आपको तब तक क्यूज लगाते रहना है तब तक आप 20 क्वेश्चन राइट नहीं कर दो, ये आपको ध्यान रखना है। और गाइस अगर वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, जिन जिन को भी वीडियो पसंद आता है लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइक से मुझे पता लगेगा कि कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि वाकई इस तरह के वीडियोस बनने चाहिए। और आप लोगों के लिए ही मैं ये सेपरेट वीडियोस बना रहा हूं, तो कम से कम इन्हें शेयर तो करना आपको बनता है, इन्हें शेयर करिए, क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे हैं, व्यूज नहीं आ रहे हैं तो मेरा भी मन नहीं करता है वीडियोस बनाने का, बहुत मेहनत लगती है इंडिविजुअल बनाने में। प्लीज इन्हें शेयर जरूर करिए, कम से कम जो वीडियोस को पसंद कर रहे हैं कम से कम वो तो शेयर करें, हर बंदा 5 लोगों को शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।